नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष आर्य और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल लॉक लगाते समय या लगाने के बाद हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आता है हमारा डिजिटल लॉक जो बेस्ट होता है वो वुडन डोर के लिए ही होता है, तो हमें वुडन डोर में ही लगाना है डिजिटल लॉक फॉर बेस्ट ऑपरेशन। एंड सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान रखना है वो है डोर की थिकनेस। जो डोर की थिकनेस होनी चाहिए वो मिनिमम 38 mm होनी चाहिए फॉर डिजिटल लॉक। एंड दूसरा इसमें केस आता है कि जैसे इसमें हम बेसिक जो लगाते हैं अड्डा वाली बैटरी लगाते हैं तो वो करीब ड्यूरेसेल लगाते हैं तो 9-10 मिनट चलती है इजीली। तो उस केस में जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली हो तो उस केस में आपको महीने भर पहले करीब बिफोर 1 month आपको इंडिकेट करेगा, यहाँ रेड पॉइंट बन के आएगा, तो उस केस में हमें बैटरी चेंज कर देनी है। एट बाई चांस अगर हम तब भी ध्यान नहीं देते हैं तो उस केस में हम चाबी से या फिर 9 volt का बैटरी आता है उससे हम खोल सकते हैं उसको ईजिली। अभी हमारा डिजिटल लॉक हम इसको कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें फिंगरप्रिंट्स ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें अप टू 30 फिंगरप्रिंट हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सेकेंड केस आता है RFID, इस पर हमें 4 RFID आते हैं साथ में, प्लस हम और भी एडिशनल ले सकते हैं। थर्ड आता है पिन, इसे पासवर्ड से भी खोल सकते हैं। देन आता है मैकेनिकल की, जैसे कई बार बैटरी डेड हो जाती है तो उस केस में हम चाबी से भी खोल सकते हैं। फिर आता है इसमें वाईफाई ब्रिज एंड मोबाइल एक्सेस। अगर हमें मोबाइल से एक्सेस करना हो उसको तो उसमें वाईफाई ब्रिज इसमें ऑप्शनल होता है, वो हमें लगवाना पड़ता है, तो हम फोन से भी इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। थर्ड इसमें रिमोट का भी ऑप्शन आता है, तो रिमोट भी ऑप्शनल होता है, उससे भी हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं। देन थर्ड कंपैटिबिलिटी, लास्ट वन कंपैटिबिलिटी, ये वुडन डोर के साथ होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिजिटल लॉक के बेनिफिट। फर्स्ट, इसमें आपको चाबी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इजली कीलेस कॉन्सेप्ट है पूरा ये, कोई भी पासवर्ड डाल के या फिंगरप्रिंट डाल के हम अंदर जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इसमें ये है, फुल स्ट्रेंथ है एंड सिक्योर है, जैसे चोरों के लिए थोड़ा ये तोड़ना मुश्किल हो जाता है। देन थर्ड इसमें बेनिफिट ये आएगा कि कोई भी गेस्ट वगैरह अगर हमारा आया तो हम इजीली घर के कहीं बाहर हों तो इजीली फ़ोन से ऑपरेट करके या उसको पासवर्ड बता के हम उसे एंट्रेंस दे सकते हैं। फोर्थ इसमें ऑप्शन ये आएगा, जैसे हम लोग घर में सो रहे हों, कोई हमारा फैमिली मेम्बर घर के बाहर हो तो वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अपना फिंगरप्रिंट या पासवर्ड डाल के अंदर आ सकता है। सो ये हमारे बेनिफिट्स हैं डिजिटल लॉक के।